गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं बता देती हूँ, जो जो मेरे चैनल के साथ नए जुड़े हैं, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको मैं बता दूँ, मेरा चैनल का नाम है स्माइल विथ मी एंड खुशी। सो आज है 11 जुलाई और अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, अभी 3 बज रहा है और आज है संडे। सो अभी मैं हूँ मायके में। सो मैं बहुत दिनों बाद फिर ये वीडियो कर रही हूँ। दिन बोलना गलत होगा, महीने बहुत एक डेढ़ महीना बाद में ये वीडियो बना रही हूँ। सो कुछ रीज़न थे जिसके वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रही थी, रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था आप सबसे बात नहीं की, मैं कोई वीडियो पोस्ट नहीं की, तो मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो फाइनली आज मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ क्योंकि मैं फिर से आप लोगों से साथ जुड़ने वाली हूँ। रीज़न बहुत बड़ा सा कुछ रीज़न नहीं था, पर मेजर सही है। फिर भी सुना, सब कुछ लेके आपको चलना पड़ता है। आप अगर आप एक लड़की एक औरत हो ना, आपको ये सब लेके ही चलना पड़ता है। तो हर कोई ये व्लॉगिंग करना, वीडियो करना हर कोई पसंद नहीं करता है, तो इस सब को लेके ही आपको चलना पड़ता है। तो मैं कहीं की बहू हूँ, तो कहीं पे मतलब सबको ये पसंद नहीं होता है, तो आप लोग ये समझ लीजिएगा। तो नहीं तो मैं कभी ये सब मैं कभी एक दूसरा वीडियो में मैं बताऊंगी कि क्या रीज़न था जो इतना दिन मैं आप सबसे बात नहीं की। तो मैं बहुत दिन बाद फिर से आप सबसे बात कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे नर्वस फील हो रही है। तो आज अभी दोपहर का टाइम है, तो हमारा लंच वंच करना सब कुछ हो गया, खुशी अभी सो रही है। अभी फ़िलहाल का अपडेट देती हूँ, मैं अभी मायके में हूँ और हस्बैंड जो है वो दार्जिलिंग में है। लॉकडाउन तो फिर भी हमारे यहाँ पे है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ खुला है, कुछ कुछ बंद है। हमारे होटल का भी हाल वैसा ही है, मतलब आप रख सकते हो पर 50% रख सकते हो और कोविड का रिपोर्ट के साथ रख सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये सब। जी, तो मैं आज फिर से ये व्लॉग अभी से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अभी से मैं क्या क्या आपको आप क्या क्या करती हूँ, मैं वो आज सबको दिखाऊंगी। तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ आज से, मेरा फिर से मैं क्या क्या करती हूँ सब आप सबसे मैं शेयर करूँगी। तो चलिए अभी से ये व्लॉग मैं स्टार्ट करती हूँ। सो गाइस, अभी मैं थोड़ी सी रेडी हुई हूँ और मैं अभी जाऊँगी हमारे यहाँ का जो लोकल बाज़ार है वहाँ पे जाऊँगी। तो बाज़ार का नाम है गंगाराम बाज़ार। तो मैं थोड़ा सा कुछ कुछ लेना है, तो मैं अभी भाई के साथ जाऊँगी बाज़ार में। तो मैं स्कूटी के मदद से मैं जाऊँगी। तो आप सबको भी मेरा जो आज का इस व्लॉग में आप सबको मैं ये बाज़ार में आप सबको एक्सप्लोर करूँगी। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे यहाँ का बाज़ार कैसा होता है और आप सबको मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे तो पता है कैसा है, जब आप लोग को नहीं पता है ना, तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ हमारे यहाँ का बाज़ार कैसा होता है। तो चलिए मेरे साथ।
कौन है यहाँ पे? आना भाई, रख कर इधर। सो अभी हम एक दुकान पे रुके हैं, यहाँ पे हमें कुछ लेना है तो हम पहले यहाँ पे चेक कर लेंगे जो हमें चाहिए वो यहाँ पे है या नहीं। अगर यहाँ पे मिल जाता है तो फिर घर जाकर मम्मी से डिस्कस करेंगे। तो हमें एक शोकेस या अलमीरा टाइप का कुछ लेना है तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे मिलता है या नहीं। तो वही हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, तो हमें कुछ पसंद आया जो हमें चाहिए वो यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम घर जाते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम हंसका रोड होके सीधा जा रहे हैं चर्च मोड़ गंगाराम बाज़ार, तो चलिए आपको भी ले चलते हैं। तो ये हंसका रोड, हंसका से क्रॉस होके इस टूना सेवन जो जगह है वो जगह का नाम है टूना सेवन, तो वही रोड से हम जा रहे हैं। तो बस अब पहुँचने वाले हैं बाज़ार, तो हम बाज़ार पहुंच चुके हैं। पर बाज़ार जो है ना बहुत खाली है, क्योंकि यहाँ पे ना अभी कोविड का टाइम है ना, तो बहुत सुनसान है, उतना ज़्यादा दुकान सब भी नहीं है। तो चलिए जो होता है मैं आप सबको दिखाती हूँ। स्कूटी भाई ने पार्क कर दिया तो हम चल के अभी अंदर जाएंगे, तो देखते हैं वहाँ पर क्या मिलता है या नहीं। यहाँ पर हर सामान ही मिलता है, पर अभी कोविड की वजह से मार्केट जो है पूरा खाली है, तो हमें देखते हैं जो हमें चाहिए वो मिल जाए तो बहुत अच्छा। तो यहाँ पे ऐसा छोटा छोटा दुकान सब यहाँ पे रास्ता साइड में लगा हुआ है, जहाँ पे चप्पल वगैरह ये सब खाने का कुछ सामान ऐसा कुर्ती चूड़ीदार छता का दुकान सब कुछ ही यहाँ पे मिल जाता है। ज़रूरतमंद का हर सामान यहाँ पे मिलता है, चावल से लेके एवरीथिंग यहाँ पे मिल जाता है। तो हमें जो चाहिए हम देखते हैं वो मिलता है या नहीं। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं बाज़ार में। तो मैं यहाँ पे कुछ घर में पहनने के लिए ले रही हूँ, खुशी और मेरी बहन के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट हमारा बाज़ार हो गया, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा प्याज लहसुन अदरक ये सब लेना है, उसके बाद लेके हम निकल जाएंगे घर के लिए, क्योंकि जो जो हमें चाहिए था वो हो गया है, सिर्फ फीस लेना बाकी है, फीस लेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। सो गाइस, हमारा बाज़ार करना हो गया, तो चलिए अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और बाज़ार जो है बहुत सुनसान है, और देख के ना बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि 5 बजते ही ना सब धमाधम करके पैक कर रहे हैं, क्योंकि टाइम क्लोज हो जा रहा है इसलिए। तो हमारा भी हो गया, तो अभी हम जा रहे हैं। तो चलिए मैं घर में जाके फिर आप सबसे मिलती हूँ। बहुत देर हो गया, अभी 9:30 हो रहा है, अभी मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं खुशी को डिनर दूंगी, तो डिनर में है राइस, फिश फ्राई और आलू बॉयल। तो मैं ये खुशी को खिला लेती हूँ, क्योंकि आने के बाद बहुत सारा काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं कर पाई, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। तो मैं अभी से जितना होता है मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद फिर खुशी को खिलाने के बाद फिर मैं आप सबसे मिलती हूँ। तो खुशी को खिलाने के बाद मैं उसे कपड़ा चेंज करके उसको सुला दी हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात का 11:30 बज रहा है, हमारा भी लंच हो गया है, बस हम सोने के लिए तैयार हैं अभी। और यहाँ पे मैं घड़ी में आपको टाइम दिखा रही थी, बट नेट के मॉस्किटो नेट के वजह से आपको नहीं दिख पाया, तो मैं बता दी अभी रात का 11:30 बज रहा है और खुशी यहाँ पर बिंदास होकर सो रही है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो कल रात को मैं बाद में ना वीडियो कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, खुशी को खाना खिलाने के बाद उसको सुलाने के बाद मैं डिनर कर ली, उसके बाद बहुत लेट हो चुका था तो मैं वीडियो नहीं कर पाई थी, ऑब्वियस बात है ये, तो मेरा साथ ऐसा होता ही रहता है। और अभी नेक्स्ट डे है और अभी सुबह का टाइम है, सो मैं इस वीडियो को अभी लंबा नहीं करूँगी। मैं इस वीडियो को यहाँ पर मतलब आप सबको मैं बताने के लिए आई थी, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहती हूँ। तो मैं कोशिश करूँगी आज दूसरा कुछ व्लॉग बनाऊँ, तो कल का वीडियो को मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं करूँगी। कल जो वीडियो आपने देखा कि मैं बाज़ार गई थी, बाज़ार ना अभी का जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसीलिए बहुत कम दुकान लगा था, फिर भी हमें जो जो चाहिए था वो हम लेके आए। लेके आने के बाद ना काम था, बहुत ज़्यादा काम पर गया था, खुशी को खिलाना, फीस लाई थी, वो सब पकाना, मम्मी अकेली हो जाती है ना, तो मोबाइल पकड़ के ये सब नहीं होता है, इसलिए मैं रात को ज़्यादा नहीं वीडियो रिकॉर्ड की, जो की थी वो मैं आपको दिखा दी हूँ। तो कल एक्चुअली मुझे चाहिए था खुशी के लिए ना गर्मी में पहनने के लिए, उसके घर में डेली उसके लिए कुछ कपड़े चाहिए था, उसी के लिए मैं गई थी, तो वो तो लेके आई। और आप देखा था जहाँ पर मैंने
शोकेस या गोदरेज कुछ चाहिए तो वो दुकान में भी गए थे तो कुछ हमें मिला है, बट मम्मी को जो चाहिए वो वहाँ पे नहीं है, वो ऑर्डर देना पड़ेगा। तो आज मम्मी को लेके भाई फिर से जाएगी, अगर मम्मी को पसंद हो तो मम्मी लेके आएगी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा अच्छा लगा है, हाँ तो वही देखने के लिए गए थे वहाँ पर, तो कुछ कुछ अच्छा लगा। अभी सुबह का टाइम है, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया। आज जो है ना यहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी, बहुत तेज़ धूप निकली है, पता नहीं दिन भर में क्या हाल होगा, वो मैं अगर हो तो मैं रिकॉर्ड करूँगी। सो गाइस, बहुत दिन बाद मैं ये वीडियो बनाई हूँ, आज मैं शायद आज पोस्ट करूँगी, अगर पोस्ट हो, नेटवर्क सही रहे तो आज पोस्ट हो जाएगा, वरना ये कल पोस्ट होगा। सो अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो मेरा ये वाला व्लॉग, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। जो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सो मुझे पता है कि मैं बहुत डिले करती हूँ वीडियो बनाना, पर मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी वीडियो डाल पाऊँ। सो गाइज, मैं इस वीडियो को अभी और ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सो बाय गाइज़।